हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। अच्छा होना भी चाहिए दोस्तों। आज मैं आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक बताने वाला, जिसके द्वारा आप क्या है कि एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करा रही है। इस सर्टिफिकेट के तहत आप कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना हो, एक क्विज में पार्टिसिपेट करना है। जैसा कि फॉर्म का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सीधा लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं, आप इसका इंटरफेस देख लीजिए, कुछ इस तरह से होगा। आपको ऊपर कॉर्नर पे एक ब्लू कलर का लॉगिन बटन दिख रहा होगा, सीधा आप उस लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आपकी स्पीड की नेट की स्पीड जैसी होगी, उसके हिसाब से ये खुलेगा। थोड़ा टाइम भी लग सकता है, और इस समय इस साइट पर थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, तो साइट थोड़ा स्लो काम कर रही है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। थोड़ा सा वेट करिए, शालीनता के साथ बने रहें वीडियो में। आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसमें अपनी आईडी को बना सकते हैं और किस तरह से आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक नया इंटरफेस खुल करके आ गया है। आपको कुछ करना नहीं, बस सिंपली नीचे चले आना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, एक फॉर्म खुल के आता है। इस फॉर्म को आपको भर देना है। जैसे यहाँ आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो सपोज अगर आप, मैं किसी का नाम भर दे रहा हूँ, और यहाँ पे कोई ईमेल आईडी भर दे रहा हूँ जो कि कोई भी हो, तो मुझे अभी कोई ईमेल आईडी इस तरह से याद नहीं, मैं अपना पर्सनल नहीं डालूँगा। तो मैं थोड़ा सा एक ईमेल आईडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने फॉर्म को भर दिया है। अब आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ी देर में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन हो लेना है। देखिए, ओ टी पी हैज़ बिन सेंड इन योर ईमेल, ओ टी पी हैज़ बिन सेंड इन योर मोबाइल नंबर। तो आप देख रहे होंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओ टी पी गई होगी और आपके मेल पे भी गई होगी। आप दोनों में से कोई एक ही ओ टी पी यहाँ डालिए और अपने फॉर्म को आगे कर दीजिए। चलिए देखते हैं। बस आपको OTP डाल करके फॉरवर्ड कर देना, मतलब क्रिएट न्यू अकाउंट कर देना है, फिर थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, अब हो गया। मैं क्रिएट नाउ पे करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर ले रहा हूँ। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक और भी पासवर्ड आ चुका है, जो कि GOV की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट की तरफ से भेजा जा चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर ये पेज बैक भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा आपको लॉगिन पे जा करके लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं बैक होता तो आप यहीं से कंटिन्यू लॉगिन हो जाएंगे। तो कभी कभी नेट की स्पीड बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से ये टाइम ले सकता है। अदरवाइज़ ये आपको यहीं से रिडायरेक्ट उस पेज पर कर देता है कि आप लॉगिन हो जाएँ। चलिए देखते हैं कि आप लॉगिन हुए हैं कि नहीं। चलिए, इसने कहा कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, तो आपको देखिए यहाँ तो अपना मोबाइल नंबर डालना है या फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल करके सीधा यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएं। ठीक है, मैं सीधा डाल करके लॉगिन करके, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पेज में लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ आप सिंपली क्या करना है कि अपने अकाउंट में देख रहे होंगे मैनेज अकाउंट, सेकंड है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे ढेर सारे कंपटीशंस हैं। मैं आपको सिंपली एक कंपटीशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप सीधा सीधा कुछ आसान से सवालों का आंसर दे करके अपनी मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे माई गवर्नमेंट क्विज है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद आप देख रहे होंगे डेट ऑफ क्विज स्टार्टेड 9/2, मतलब कि 9 तारीख से स्टार्ट है और 7 मार्च तक चलने वाला है। तो आप प्ले क्विज कर दीजिए। तो आपको यहाँ दिया गया है 10 क्वेश्चन हैं, आपको 10 स्कोर, आपको 10 में 10 लाने हैं या नहीं लाने, डोंट वरी, कोई बात नहीं है। पर 300 सेकंड में आपको इसको फिनिश करना। ठीक है, तो मैंने लॉगिन कर दिया क्विज के लिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं आपसे पूछ रहा क्या आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो हाँ मैं इसको कन्फर्म करना चाहता हूँ, तो स्टार्ट कर देता हूँ। ये आपसे फिर से एक बार पूछेगा कि ईमेल आईडी क्या है, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी हो आप यहाँ फिल कर दीजिए। तो मैं अपनी ईमेल आईडी फिर से यहाँ फिल कर देता हूँ, जो कि मुझे पहले से पता है। ठीक है,
तो अगर आप फील नहीं करना चाहते तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, ये मैंडेटरी है। तो मैं अपनी मेल आईडी भूल चुका हूँ, मैंने कौन सी डाला था, तो मैं यहाँ से अपनी मेल आईडी देख ले रहा हूँ, फिर फील करता हूँ। ठीक है, मैं डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपनी आईडी डाल दी। ठीक है, आपने डेट ऑफ बर्थ तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने कर लिया, और यहाँ पे मेरा जो मंथ है वो मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर जिस डेट का होगा आपका उस डेट को सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको क्या है कि अपना स्टेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर देता हूँ, और जेंडर आप जो भी हैं सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। तो मैं किसी स्कूल का एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे कि मैं अपने स्कूल का डालता हूँ, अशोक कुमार पब्लिक स्कूल मीरानपुर अकबर अंबेडकर नगर, और सबमिट स्टार्ट पे कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप करते हैं, आप थोड़ा सा वेट करिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन खुल के आते हैं। घूमर डांस जो होता है डेवलप कहाँ पर हुआ था, तिकोंडा में हुआ था, गड्डी में हुआ था, या फिर व्हील में हुआ था? तो घूमर आपका कहाँ का डांस है आपको क्लिक करना। तो ये मायने नहीं रखता आप सही आंसर दे रहे हैं या गलत। ठीक है, म्यूजियम फॉर ट्रिबल फ्रीडम फाइटर सेट ऑफ द कम यूपी ऑन होन मैनी। आप तो पढ़ो या ना पढ़ो, जो भी आपको लगे सही गलत आप करते जाओ। मैं फटाफट आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो क्लिक करके आपको मार्कशीट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सही गलत से नहीं मतलब है। ठीक है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपको मार्कशीट डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो क्विज आपकी फिनिश हो गई, तो यहाँ क्लिक हियर टू चेक योर स्कोर। तो आपका स्कोर बता रहा है कि अभी 0 है, मतलब कि मेरे जो आंसर हैं सबके सब गलत हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे आंसर्स नहीं मतलब था, मुझे आपकी क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करके आपका और क्या कहते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड करना था, इससे मतलब था। ठीक है, तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी सीधी आपके। जैसे ही फाइल डाउनलोड होती है, आप उसे ओपन करिए, खोलिए और देखिए कि आपकी जो फाइल है किस तरह से। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी जो फाइल डाउनलोड हो रही है, ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। तो सिंपली आप ये क्या करिए, ओपन कर लीजिए किसी ब्राउजर से, तो आप देखेंगे कि जो फाइल होगी कि अभी वो डाउनलोड नहीं हुई है कह रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। कह रहा पिक्चर हैज़ बीन करप्ट एंड कैन नॉट बी डाउनलोड, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर से डाउनलोड करता हूँ यहाँ से, क्या पता कोई एरर रहा हो। तो फिर से देखते हैं डाउनलोडिंग में हम जा कर के, ये आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि आपका डाउनलोड होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं, क्या पता आप डाउनलोड हो चुका हो। तो मैं फिर से खोलता हूँ इसको। देखिए, तो आपने देखा कि अगर आपको लगता है ये फेंक है, तो आपने देखा कि सलभ श्रीवास्तव वहाँ पर नाम था, यहाँ पर भी सलभ श्रीवास्तव ही है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, और इसको मैं प्रिंट ले सकता हूँ कहीं भी लगाने के लिए। तो आपने देखा इतनी आसानी से हमने इसको डाउनलोड कर लिया, इसकी सर्टिफिकेट को, और अब इस सर्टिफिकेट को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, इन फ्यूचर जब भी मुझे कभी कभी इसको अपडेट करना होगा तो मैं कर लूँगा। तो ये ऐप मांग रहा है जिसमें मैंने ओपन किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपली कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इस ऐप से नहीं मतलब, ये तो फालतू की जो साइटें आ रही हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं कि आपने एक लेवल तक आपने पहुँचा लिया अपने आप को, बस इतना ही करना था। अगर और भी आपको पार्टिसिपेट करना है, या आपके नाम में कोई एरर हो गया है, या फिर आपके अकाउंट में कोई सेटअप करना है, तो आप यहाँ से जा कर के अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हैं, मैनेज अकाउंट कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो नाम है, यहाँ मैंने स्पेस नहीं दिया है, तो अगर गलती हो गई आप स्पेस देना चाहें तो स्पेस दे सकते हैं। ये सारे एरर्स हैं आप जो सुधार सकते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ से लॉगआउट करता हूँ, अगर आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन होना है तो आप फिर से लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क इशू है इसलिए ये लॉगआउट नहीं हो रहा था। चलिए देखिए ये लॉगआउट हो गया, अगर आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन होना है तो आप उसी आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन हो जाएं, और भी प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें।